In the name of Allah the most gracious the most merciful assalamu alaikum everyone welcome to my channel learning with anila kadri i hope you all are doing well in today's video we will translate last paragraph paragraph number 5 of chapter number 6 ky's vision and pakistan the major concern of this paragraph is to find out

चैलेंज़ मुश्क डिफ़िकल्टीज टुडे द काय्स पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरल चैलेंजस आज कायद का पाकिस्तान लातदात मुश्किल का सामना कर रहा है वी हैव फॉर गाटन हम भूल चुके हैं वी हैव फॉर गाटन हम भूल चुके हैं हाउ मच स्ट्रगल कितनी जदोजहद द मुसलिम्स हैडमेड मुसलमानों ने की थी देखें स्टूडेंट्स ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वी हैव फॉर गॉटन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट एंस यू हो गया है बिकॉज थर्ड फॉर्म है और हैव का इस्तेमाल है राइट right? अगर आप नीचे देखते हैं मुस्लिम हैडमेड पास्ट परफेक्ट यूज़ किया गया है वो आपकी थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ राइट अंडर द डाइनमिक लीडरशिप मुतहरक क़्यादत में डायनेमिक मतहरिक लीडरशिप क़्यादत ऑफ कायद अजम अली जिना वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ़ कायद अजम अली जिना हम भूल चुके हैं कायद अजम अली जिना की मतहरक क़्यादत में मुसलमानों ने कितनी जदोजहद की थी वन मोर टाइम हम भूल चुके हैं कायद अजम अली जना की मतहरक क़्यादत में मुसलमानों ने कितनी जदोजहद की थी मतलब आपको ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बहुत मुश्किल के बाद हासिल किया है राइट right? कायद अजम मोहम्मद अली जन्ाँ ने डेफिनेटली लीड किया और मुसलमानों ने मेहनत की बहुत ज़्यादा कोशिश की बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की उसके बाद हम, तो, हम सब हम सबको पाकिस्तान मिला राइट right? बट अगर हम आज हालात देखते हैं तो सॉरी टू से बट वी आर नॉट ऑन दैट पॉइंट वेयर वी शुड बी राइट वी कैन ओवरकम हम काबू पा सकते हैं आर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ हमारी मौजूदा मुश्किलात पर प्रेजेंट मौजूदा डिफिकल्टीज़ मुश्किलात By following पैरवी करके the kite's golden motto, kite के सुनहरी कोल मोटो असूल कोल we can overcome our present difficulties by following the kite's golden motto. हम कायद के सुनहरी कोल की पैरवी करके अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं अब कायद गोल्डन मोटो क्या है फेथ ईमान यूनिटी एतहाद एंड डिसिप्लिन और नजमो सब जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं हमने पढ़ा है वो दफा वी कैन ओवरकम आर प्रेजेंट डिफिकल्टीज बाय फॉलोइंग द गोल्डन मोटो फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन हम कायद के सुनहरी कोल ईमान इतहाद और नजम ज़ब की पैरवी करके अपनी मौजूदा मुश्किल पर काबू पा सकते हैं वन मोर टाइम हम काय के सुनहरी कोल ईमान एतहाद और नजमो ज़ब की पैरवी करके अपनी मौजूदा मुश्किल पर काबू पा सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट डिसप्लिन एक्चुअली इज़ द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड योर सक्सेस इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू बी डिसिप्लेंड इंडिविजुअल यू नीड टू बी आ डिसन एक्चुअली ओके इट इज नाउ अप टू यू अब ये आप पर है टू वर्क काम करें वर्क एंड वर्क काम और काम इट इज नाउ अप टू यू टू वर्क वर्क एंड वर्क अब ये आप पर है कि काम काम और काम करें एंड और वी आर बाउंड टू सक्सीड कामयाबी हमारा मुकद्दर है या आप यूं भी कह सकते हैं कि कामयाब होना यकीनी है इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स ओके ये मतलब है इसका इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क वर्क एंड वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड अब ये आप पर है कि काम काम और काम करें और कामयाबी हमारा मुकद्दर है ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर फाइव वी आर डन फाइनली आई ट्राइड माय बेस्ट टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस इन ईजिएस्ट वे सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me for next videos do not forget to subscribe my channel learning with anila kathri and press the bell icon thank you